वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच बने रहने मेरे साथ बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। सो जैसे कि आज फादर्स डे है, तो मम्मी के बारे में तो हम लोग रोज़ बात करते ही हैं, तो क्यों ना आज अपने पापा के बारे में थोड़ी सी बातें की जाए। सो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पापा को आज विश किया है? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं, जिन्होंने अपने पापा को सामने से विश किया है, मतलब बोल के विश किया है कि पापा आई लव यू और हैप्पी फादर्स डे, कितने लोग हैं? मुझे लगता है 100 में से 70% ही लोग होंगे जिन्होंने, 100 में से शायद 30% ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पापा को विश किया है कि बैठ के सामने कि पापा या मतलब आप हमारी लाइफ में क्या जगह है आपकी। वरना आजकल का ट्रेंड है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे आप अपने पापा की बहुत पुरानी फ़ोटोज़ होंगी या फिर पापा को केक दे दिया, गिफ्ट्स कार्ड्स दे के हमने अपने पापा को विश किया है। बट एग्जैक्टली क्या सिर्फ फादर्स डे के दिन ही हम अपने पापा को विश करते हैं? करना चाहिए, वो तो हमारी लाइफ में एक साइलेंट हीरो है। मतलब मैं अगर अपने पापा के बारे में बात करूं तो सबके पापा एक ही जैसे होते हैं, साइलेंटली काम कर जाते हैं, कुछ पता भी नहीं लगने देते। हम यहाँ सोच रहे होते हैं कि हमने विश किया होता है कि पापा मुझे अपने बर्थडे पे ये चाहिए या मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ पसंद है। उस टाइम तो आई एम श्योर ना सबके पापा ऐसे उस टाइम तो बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन वो चीज़ हमें देने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम मदर्स को कहते हैं कि मम्मी, हम फीमेल्स जो होती हैं ना, फीमेल्स थोड़ी सी एक्सप्रेसिव होती हैं, मतलब वो अपनी खुशियाँ भी एक्सप्रेस कर लेती हैं, दुख होता है तो रो लेती हैं, गुस्सा आता है तो बोल देती हैं, मतलब हर चीज़ में हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करके चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन फादर जो होते हैं वो साइलेंट हीरो होते हैं, अगर कुछ करते भी हैं तो कभी एक्सप्रेस नहीं करते कि उन्होंने हमारे लिए ये किया है। अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो मैंने आज तक अपने पापा को कभी विश नहीं किया, मतलब नहीं किया कभी, क्योंकि मतलब आजकल की अगर आप जनरेशन देखो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी आप डेज देख लो आजकल, फ्रेंड्स डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, डॉटर डे है, तो ये सब चीज़ें अब आ गई हैं, तो हम लोग गिफ्ट्स के थ्रू, केक्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को विश कर देते हैं। लेकिन जो मज़ा सामने बोलने से है, मतलब कि कहते हैं ना रिश्तों में आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, तो उसी तरह हमें भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम उनका मतलब मतलब आजकल की अगर आप जनरेशन देखो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी आप डेज देख लो आजकल, फ्रेंड्स डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, डॉटर डे है, तो ये सब चीज़ें अब आ गई हैं, तो हम लोग गिफ्ट्स के थ्रू, केक्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को विश कर देते हैं। लेकिन जो मज़ा सामने बोलने से है, मतलब कि कहते हैं ना रिश्तों में आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, तो उसी तरह हमें भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम उनका मतलब वो चीज़ तो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन हम एटलीस्ट उनको थैंक यू तो कर सकते हैं। और थैंक यू ये गिफ्ट्स कार्ड्स के थ्रू, मुझे लगता है व्हाट्सएप स्टेटस में डालना, इन सब के थ्रू करने से बेटर है कि आप उनसे बैठो, हाथ पकड़ के बोलो यार कि पापा आई लव यू, तो जो खुशी उनको उस टाइम पे मिलेगी ना वो स्टेटस पढ़ने में नहीं मिलेगी। मैंने भी अपडेट किया है, लेकिन मेरे पापा व्हाट्सएप पे नहीं है या वो ऐसे सोशल ऐप पे नहीं है, तो मेरे लिए उनको ये चीज़ दिखाना मुश्किल है। बट अभी मेरी सिस्टर वहाँ पर है, तो वो इस वीडियो उसको मैंने कहा था कि वो ये वीडियो को मेरे पापा को दिखाए, इसके बाद मैं उनको कॉल करती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट फादर्स डे जो कि मैंने अपने पापा को सामने से विश किया है। तो बस यही है कि मतलब आप भी सोशल मीडिया के थ्रू
ये सब चीज़ें शो करने से अच्छा है उनके पास बैठिए, उनको बताइए कि वो आपकी लाइफ में क्या क्या मतलब उनकी वैल्यू है। वैसे तो मतलब आज हम जो भी हैं वो अपने फादर पेरेंट्स के ही वजह से हैं, लेकिन ये चीज़ हम उनको बताएंगे, बताना चाहिए हमें उन्हें कि मतलब आज हम जो कुछ भी हैं डैडी आपकी वजह से हैं, पापा आपकी वजह से हैं, सो थैंक यू सो मच हमें इस मुकाम पे लाने के लिए। तो मैं अपने पापा के लिए दो लाइन कहना चाहूँगी, आई होप ये दो लाइन सब पर सूट करती हैं और मतलब सबके लिए डेडिकेटेड हैं। और कुछ बच्चे मेरी तरह भी हैं जो शायद नहीं अपने पापा मम्मी से इतने मतलब पापा या मम्मी से इतना इतना एक्सप्रेसिवली आप बोल सकें जितना मैं अभी यहाँ पे बोल चुकी हूँ, उतना शायद मैं अपने पापा के सामने नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं अपनी सिस्टर के थ्रू ये वीडियो अपने पापा तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, तो अगर आप भी मेरी तरह कुछ हैं कोई लोग ऐसे, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो। और ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो मतलब सारे पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने कि अपने बच्चों की अपने बच्चों की लाइफ के लिए इतनी मेहनत की है। तो मैं दो लाइन सभी पेरेंट्स के लिए, फादर्स के लिए बोलना चाहूँगी। चंदा ने पूछा ये कि वो आपकी लाइफ में क्या क्या मतलब उनकी वैल्यू है। वैसे तो मतलब आज हम जो भी हैं वो अपने फादर पेरेंट्स के ही वजह से हैं, लेकिन ये चीज़ हम उनको बताएंगे, बताना चाहिए हमें उन्हें कि मतलब आज हम जो कुछ भी हैं डैडी आपकी वजह से हैं, पापा आपकी वजह से हैं, सो थैंक यू सो मच हमें इस मुकाम पे लाने के लिए। तो मैं अपने पापा के लिए दो लाइन कहना चाहूँगी, आई होप ये दो लाइन सब पर सूट करती हैं और मतलब सबके लिए डेडिकेटेड हैं। और कुछ बच्चे मेरी तरह भी हैं जो शायद नहीं अपने पापा मम्मी से इतने मतलब पापा या मम्मी से इतना इतना एक्सप्रेसिवली आप बोल सकें जितना मैं अभी यहाँ पे बोल चुकी हूँ, उतना शायद मैं अपने पापा के सामने नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं अपनी सिस्टर के थ्रू ये वीडियो अपने पापा तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, तो अगर आप भी मेरी तरह कुछ हैं कोई लोग ऐसे, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो। और ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो मतलब सारे पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने कि अपने बच्चों की लाइफ के लिए इतनी मेहनत की है। तो मैं दो लाइन सभी पेरेंट्स के लिए, फादर्स के लिए बोलना चाहूँगी। चंदा ने पूछा तारों से, चारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। तो लोग कहते हैं कि डॉटर्स अपने फादर के ज़्यादा करीब होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, कई ऐसे फादर देखे हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। इवन बॉयज़ के साथ तो उनका इतना अच्छा कनेक्शन होता है कि मतलब दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स कि अबे यार चला शाम को बैठ के दो पैग लगाते हैं, और भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है या नहीं है, बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है। तो आजकल जनरेशन बहुत बदल गई है। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली नहीं बात कर सकते थे, तो उनको चीज़ें बताना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। बट आजकल के पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, और ये कई जगह पे बहुत ये मतलब बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि पेरेंट बच्चे जब तक अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली नहीं होंगे तो वो उनसे सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो किसी और को शेयर करेंगे जिनसे कि वो अपने पेरेंट्स से बातें छुपाएं। तो इसमें बहुत सारा रोल अपना पेरेंट्स का भी है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंडली बने, ताकि उनके बच्चे उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकें। सो अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा?